ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए हैं जो इस बार यानी 2024 में LNMU के स्टूडेंट हैं और वो BSc पार्ट थर्ड में एग्जाम देंगे। BSc पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन जो 2024 में होने वाले हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो BSc मैथ ऑनर्स लिए हुए हैं। ये पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है एग्जाम में आने की। अतः इस वीडियो को केयरफुली पूरी की पूरी वीडियो आप देखें। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा है आपको डिफाइन मॉडुलस आर्गुमेंट एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम 11th में पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस किसको कहते हैं, आर्गुमेंट किसको कहते हैं, कंजुगेट किसको कहते हैं, ये हम जानते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कहते हैं प्रूव करने के लिए कि मॉडुलस जो होते हैं किसके सम या डिफरेंट के, किसके सम और डिफरेंट, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम और डिफरेंट का जो मॉडुलस होते हैं वो हमेशा लेस देन और इक्वल होते हैं। और इक्वल होते हैं किसके, तो उनके मॉडुलस के सम के। मीन्स यहां देखिए Z1 प्लस Z2 का मॉड या Z1 माइनस Z2 का मॉड, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये दो नंबर क्वेश्चन। अब यहां 1 हो गया कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आप कॉची रेमंड कंडीशन जो होते हैं उसको पोलर फॉर्म में लिखिए, क्या होता है, किसके लिए, तो एक एनालिटिक फंक्शन के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है आप आइए, कहता है कि यदि FZ कोई फंक्शन है U+IV, ये क्या एनालिटिक फंक्शन है, जहाँ पे Z क्या है S+IY और Phi कोई फंक्शन है SY का, तो हमको ये प्रूव करना है Δ2 / Δ S² + Δ2 / Δ Y² में क्या है मॉडुलस FZ का स्क्वायर इक्वल टू 4 मॉड FZ F'Z का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब भी आप पढ़ोगे दो नंबर के, ये दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बना लेना है आपको। फिर इसी में कहता है ये क्वेश्चन आपको कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन है ये FZ इक्वल टू e^-z^-4 कब, जब z का वैल्यू 0 नहीं हो और फंक्शन का वैल्यू हो जाता है F0 का वैल्यू 0। ये तो ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है z = 0 पे, यानी कि हमको दिखाना है कि ये फंक्शन जब z = 0 लेते हैं तो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ये प्रूव करना है। फिर लेकिन यहीं पे दिखाना है कि ये फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कॉची रीमान कंडीशन जो आप पढ़े थे इक्वेशन पहला क्वेश्चन में उसको ये सेटिस्फाई करता है, ये हमको प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ये कहता है दिखाइए कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो सर्कल से सर्कल में होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बाबू ये। और दूसरा इसी पे क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए किसके, जो ट्रांसफर होते हैं Z210 से कहाँ पे W10I में, ये ट्रांसफर होते हैं तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। फिर इसी में 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फिश पॉइंट निकालिए और नॉर्मल फॉर्म में इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो दिया है आपको W = Z / Z-2, इसका फिश पॉइंट क्या होगा और इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, ये लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन का तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना है। फिर अब आ गया 4 नंबर क्वेश्चन में, इनवर्स पॉइंट क्या होता है, किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट किसी पॉइंट का क्या होता है, ये निकालना, इसका डिफिनीशन। फिर इस पे इसी पे आधारित क्वेश्चन है ये कि आपको इनवर्स पॉइंट निकालना है पॉइंट ए का, किसके रेस्पेक्ट में, सर्कल के रेस्पेक्ट में जिसका रेडियस आर है। ये हो गया।
अब इसी का क्वेश्चन नंबर चार का ही तीसरा क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर चार के तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि दो पॉइंट जेड वन और जेड टू दो पॉइंट क्या है, इनवर्स पॉइंट है, सर्कल, ये सर्कल है, इसके रिस्पेक्ट में टू पॉइंट आर इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कब, तो जब इस कंडीशन को वो फॉलो करे, तो जेड वन जेड टू क्या होते हैं, इनवर्स पॉइंट होते हैं, ये दिखाइए, ये इनवर्स पॉइंट ऑफ सर्कल के ही रिस्पेक्ट में है आपका, इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल के रिस्पेक्ट में। अब पांच नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करिए जितने भी फंक्शन होते हैं, एनालिटिक फंक्शन, वो कंटिन्यूस होते हैं लेकिन उसका उल्टा, यानी वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, ये हमको प्रूव करना है कि कंटिन्यूस जो होते हैं आपका, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, नेसेसरी नहीं है ये प्रूव करना। उसके बाद कहता है आपको दूसरा में प्रूव करिए कि पॉइंट जेड के कहाँ है, डोमेन, कोई डोमेन है, डी डोमेन है जिसके ईच पॉइंट जो है जेड वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एफ जेड एनालिसिस है, एफ डैश जेड इक्वल टू नॉट जीरो, तो ये जो मैपिंग होगा ये मैपिंग आपका कन्फॉर्मर मैपिंग होना चाहिए। आपको कहता है कि कन्फॉर्मर मैपिंग के लिए, कन्फॉर्मर मैपिंग में पढ़े हैं कि एक प्लेन लेते हैं हम, जेड प्लेन लेते हैं, एक डब्लू प्लेन लेते हैं, जेड प्लेन एस वाई प्लेन हुआ, डब्लू प्लेन आपका यू वी प्लेन हुआ, तो जेड प्लेन में जो कोई दो कर्व लेंगे उसके बीच का एंगल जो होगा वही अगर डब्लू प्लेन में भी वही हो गया तो वो कन्फॉर्मर मैपिंग होते हैं, तो वही हमको ये प्रूव करना है। यहाँ थर्ड में कहता है कि हार्मोनिक फंक्शन क्या है, और ये फंक्शन जो दिया है u इक्वल टू वन बाई टू लॉग एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हार्मोनिक फंक्शन है, ये हमको प्रूव करना है, फिर हमको हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। हाँ, अभी ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फाइव क्वेश्चन था, वन टू फाइव अगर आप बना लेते हैं तो चार क्वेश्चन आप कंप्लीटली बना लेंगे पेपर फाइव के। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसका आंसर जितना कितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं आपके पास उसका आंसर लेकर आऊँगा। तो आप वीडियो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, वो हमको भेजिए, उसका आंसर हम जल्दी भेजेंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय। और हाँ, जो अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका आंसर भेजता रहूँ। तब तक के लिए आप सभी को बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।